चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया। अब भारत के फॉरवर्ड एयरबेस दौलत बेग ओल्डी के पास डेपसोंग प्लेन के पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक चीन के सैनिक भारतीय सेना को गश्त लगाने से रोक रहे हैं। साथ ही डेपसोंग प्लेन के पीछे भी चीन अपने इलाके में बड़ी तादाद में मिलिट्री बिल्ड अप करने की गलवान घाटी में चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के पूरी इन्फेंट्री बटालियन, उनके हथियार, साजो सामान, सड़क बनाने वाली हैवी मशीनरी और बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही। भारत की तरफ से डायरेक्ट फायरिंग से बचने के लिए पहाड़ की ओर से कई सैनिक अड्डे भी बनाए गए हैं और मिली तस्वीरों से ये भी साबित हो रहा है कि चीन यहाँ गलवान नदी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर कोई पुल भी बना रहा है। 9 जून तक यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन 16 जून को ली गई तस्वीरों में सिर्फ चीन के ट्रक और टेंट ही दिख रहे हैं। कुछ निर्माण कार्य भी दिख रहा है, यहाँ तक कि नदी को पार करने के लिए का अस्थायी पुल का भी निर्माण हो गया है लगता है। और ऐसा लग रहा है कि इसी अस्थायी पुल के जरिए चीन के ये ट्रक और मशीनें आगे पहुँची हैं। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर चीनी कैंप्स हैं। यह हरकत तब की गई जब 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प के बाद कोर कमांडरों की बैठक के बीच चीन गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे भारतीय सेना की तरफ से चीन की इस नापाक हरकत पर अब तक कोई फिलहाल आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक बार फिर पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा ठोंक दिया। चीन